Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. आ गया ना तुम्हारा बाप बीच में, उसी की दौलत की वजह से तुम इतना करती हो। मेरे डैड ने तुम लोगों को हमेशा अपने सर आंखों पे बिठाया, आप लोगों ने हमेशा हमारा नमक खाया और इसका ये सुना दिया। चरप, अपनी जबान को लगाम दो। हमारी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके हालात वापस बदल दे, आपकी खुशियाँ आपको वापस लौटा दे। मुझे रंजे आशना जवाब दे, मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही? मैं कह रही हूँ मुझे जवाब दे। किस बात का जवाब? तुमने असद को यहाँ आने से मना किया है ना? तुझे किसने कहा है? अरे मुझे असद ने बताया है, तूने उसे आने से मना किया है। उससे सब कुछ कहता है, कुछ नहीं छुपाता वो। अच्छा, इतना ही अगर वो तुझसे कुछ नहीं छुपाता, बगैर बताए शादी कैसे कर ली उसने? वो उसकी मजबूरी थी, लेकिन उसके बाद से उसने अपने आप को मेरे सामने आईने की तरह साफ रखा है। अब मेरी मजबूरी है, इसलिए वो आइंदा यहाँ नहीं आएगा। वो आएगा, जब तक मैं यहाँ हूँ वो हमेशा आता रहेगा। तो ठीक है, तू यहाँ रहे, वो भी यहाँ आए, लेकिन मैं आज के बाद यहाँ नहीं रहूंगी। अब ये तुझ पर है, तुझे मां चाहिए या अपना असद? मुझे दोनों चाहिए। अगर तू यहाँ से चली गई तो मैं मर जाऊंगी, और अगर असद ने यहाँ आना छोड़ दिया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। तू अपनी बेटी खो देगी। जो कह रही है मैं कर रही हूँ, हर बात मान रही हूँ, और जब मैं अपनी जिंदगी से छोटा सा हिस्सा मांग रही हूँ तो तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। देखिए जनाब, हमने आपको बताया था ना कि ये एक फ्रॉड केस है और हम इसे हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आप क्यों बार बार आके हमें तंग करते हैं? मैडम, हम आपको इन्फॉर्म करने आए हैं कि बैंक ने फैसला किया है इस घर के ऑक्शन का। कल इस घर की नीलामी हो रही है यहाँ पर। ऑक्शन? लेकिन बैंक ऐसा कैसे कर सकता है? बैंक को ये राइट है क्योंकि आप लोग डिफॉल्टर हो चुके हैं। बैंक को इसी तरह अपने पैसे पूरे करने पड़ते हैं। ऐसे कैसे ऑक्शन करें? बैंक को पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है, नोटिस देना पड़ता है, बताना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। बैंक ने आपको नोटिस भी दिया था और हमने आकर आपको इन्फॉर्म भी किया था। आप लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, बाकायदा ऑक्शन की न्यूज छपी है। आप लोग अगर न्यूज नहीं पढ़ते तो इसमें बैंक का क्या कसूर है? देखिए भाई साहब, मेरे हस्बैंड अपनी सोर्सेज लड़ा रहे हैं, उन्होंने बहुत से लोगों से बात भी की है, उनमें आपके कुछ बैंक के आला अफसरान भी शामिल है। हम इस मामले को सेटल कर लें, जब तक आप प्लीज इस ऑक्शन को डिले कर दें। मैडम, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हमें जो ऑर्डर था हमने उसी को फॉलो करना था। अब जो भी डिसीजन लेगा वो बैंक लेगा। आप इस घर को फौरी तौर पे खाली करें। कह देना अपने बैंक वालों से, हम अपने घर को ऑक्शन करने की इजाजत कभी नहीं देंगे, किसी को नहीं। दे मुझे रंजे आशना दे, दे मुझे रंजे आशना। सब कुछ जानती थी पर फिर भी खामोश है। चलो अली, जरा इन्हें हैंडल करी। जारा, अली रुक जाओ, इनको बाहर जाना ठीक नहीं है इस वक्त। नहीं माँ, ये तो हम हरगिज नहीं होने देंगे। चलो अली। जारा, जारा मेरी बात सुनो, आप लोगों को अंदर आने की इजाजत किसने दी है? उठाइए अपना सामान, बाहर निकलिए। देखिए मैडम, आप हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। डिस्टर्ब तो आप लोग हमें कर रहे हैं, अभी हम अपने घर में मौजूद हैं और आप इसके ऑक्शन लगाने पर तुले हुए हैं। अली, उठाओ ये कुर्सी और भाग फेंको। देखिए, आप हमें मजबूर मत कीजिए कि हम पुलिस को बुलवा लें, हमारे पास लीगल ऑर्डर्स मौजूद हैं। पुलिस क्या, आप पूरी फोर्स बुलवा लें, लेकिन हम अपना घर नीलाम नहीं होने देंगे। करो करो यार, सेटिंग करो, जल्दी करो, टाइम नहीं है, जल्दी करो। आपसे मैं कह रही हूं रुकिए। साहब, पागल हो गई हो? होश करो ना, करने दो ने जो कर रहे, तुम अंदर चलो। तुम्हें क्या मतलब? होश करूं? छोड़ दूं? डैड बैंक वालों से नेगोशिएशन करवा रहे हैं ना,
तो क्या लोग इसका इंतजार नहीं कर सकते? जरा अगर नेगोशिएशन कामयाब हो जाते ना तो ये यहाँ ना आते कभी भी। क्यों तमाशा बना रही हो सबके सामने? ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत है, अंदर चलो मैं तुम्हें समझाती हूँ। चलो छोड़ रही मुझे, अंदर चलो तुम। माय डियर सन, जानते हो आज इदरीस का घर ऑक्शन हो रहा है। क्या उस घर का ऑक्शन आज ही हो रहा है? हाँ, आज वो घर मेरी आंखों के सामने बनवाया। उसकी पहली ईंट भी मेरी आंखों के सामने रखी गई। जो जो वो घर बनता रहा, इदरीस और उसके घर वाले आकर उसे देखते रहे। मैं उन्हें देखता रहा कि वो घर मेरा क्यों नहीं था। मेरे पास उस वक्त कोई पैसा नहीं था। वो घर इदरीस ने मुकम्मल कर लिया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। डैड, अगर आज आपके उस ड्रीम हाउस का ऑक्शन हो रहा है तो क्या हमें उस ऑक्शन में नहीं होना चाहिए? हमें नहीं माई दिए, हमारे किसी आदमी को। और हमारा वो आदमी इस वक्त वहां पहुंच चुका है। डैड, यू आर जीनियस। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने पर हम आपको वेलकम कहते हैं और देर हो जाने पर हम आपसे माजत खाएं। क्योंकि हमारे पार्टिसिपेट ट्रैफिक की दुश्वारी की वजह से लेट हो गए थे, लेकिन अब तमाम लोग पहुंच चुके हैं और हम अपना बाकायदा ऑक्शन शुरू करते हैं। सारा, तुम रिलैक्स हो जाओ प्लीज। हिम्मत और हौसले को हाथ से मत जाने और घर को जाने दे। हाँ, ये हमारे बस में नहीं है। मॉम, सब कुछ हमारे बस में। हम शोर मचा के उनका प्रोग्राम डिस्टर्ब करेंगे तो फिलहाल वो यहाँ से चले जाएंगे। बाद में जो का देखा जाएगा। सिर्फ हमारी इंसल्ट होगी, किसी को कुछ नहीं होगा। पर मामा, हम अपने घर का ऑक्शन होते हुए कैसे देख पाएंगे? लेडीज एंड जेंटलमैन, इस घर की वैल्यू का कुछ ना कुछ तो अंदाजा आपको हो गया होगा, लेकिन फिर भी एक मखसूस अमाउंट से ऑक्शन शुरू किया जाता है। हम इसका ऑक्शन 7 करोड़ से शुरू करते हैं। 8 करोड़ की बोली आई है। 9 करोड़ की बोली आई है। आपका ड्रीम हाउस आपके सामने है। 11 करोड़। 2 करोड़ एकदम बढ़ गए। बढ़िया बढ़िया, बहुत कीमती, कई गुना कीमती जायदाद है ये। 12 करोड़ 50 लाख। 14 करोड़। 3 करोड़ एकदम बढ़ा दिए गए। इन्हें जायदाद की कीमत का एहसास है जी। 15 करोड़। जी देखिए, 15 करोड़। 17 करोड़। जी 17 करोड़। आगे बढ़िए। 17 करोड़ 50 लाख। 17 करोड़ 50 लाख। 18 करोड़। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं ये कितनी कीमती जगह है। आगे बढ़िए। 20 करोड़। जी 20 करोड़। कोई और है बोली लगाने वाला इस प्रॉपर्टी पर? कोई इससे ज्यादा बोली लगाने वाला है? या फिर हम इसको लॉक करें? जी 20 करोड़। जी 20 करोड़। 20 करोड़ 1। 20 करोड़ 2। कोई है? 20 करोड़ 3। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस प्रॉपर्टी को 20 करोड़ रुपए में लॉक कर दिया गया। तनवीर साहब, मुबारकबाद कबूल कीजिए। इंसान का लिबास होता है। कोई सुना
का लिबास छीन कर ले जाए तब कैसा फील होता है? मैं समझती हूँ मेरी बच्ची, इंसान को जिंदगी में कभी ना कभी ये दिन भी देखना पड़ता है, लेकिन ये हम सब के लिए बहुत बड़ी आजमाइश है। अल्लाह से दुआ करो कि ये वक्त खैरियत से गुजर जाए। तुम लोग सब्र से काम लो। देखो, इस तरह तमाशा बनाने से किसी को कुछ नहीं होगा, सिर्फ हमारी बेइज्जती होगी, सिर्फ हमारी। बेटा, हमारा घर तो तमाशा बनने वाला है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि हम लोगों का तमाशा बने। हम कुछ नहीं कर सकते, हम बहुत मजबूर हैं सब, चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकते। को इकबाल साहब, इदरीस का घर अब आपका। ये उसकी फाइल और डॉक्यूमेंट्स। वेल डन, वेल डन तरीक। माय प्लीज। वेरी गुड। इदरीस का घर। ग्रेट, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। यू कैन नॉट इमेजिन। इस घर में शिफ्ट होने के लिए मैं कितना बेचैन हूँ। बैठो। लेकिन इकबाल साहब, एक मसला है। इदरीस की फैमिली अभी तक उस घर से चिपकी है और उन्होंने बैंक वालों को भी बहुत टफ टाइम दिया। डोंट वरी, मेरे पास इसके लिए एक रास्ता है। डैड, मेरे ख्याल से आपको उन लोगों को कुछ दिनों की मोहलत देनी चाहिए। मैं मोहलत देता नहीं, मोहलत देता हूं। यू नो व्हाट, उन्हें ये घर छोड़ना होगा और आज ही। मैडम, इस मकान को खाली करने के ऑर्डर्स है हमारे पास, उम्मीद है आप ताउन करें। इतनी जल्दी? हाँ मॉम, आज ही तो ऑक्शन हुए और ये लोग अभी से घर खाली कराने की बात कर रहे हैं। आप प्लीज हमें थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, हम कोई दूसरा घर अरेंज कर लें अपने लिए। माफ कीजिएगा, घर तो आज ही आपको खाली करना होगा। लेकिन ये ज्यादती है, एटलीस्ट हमें थोड़ा तो टाइम दिया जाए। हाँ, हम ऐसे नहीं करेंगे घर खाली। देखिए, आप हमें मजबूर ना करें, वरना घर खाली करने के हमारे पास और भी तरीके हैं। बेटा, ये ठीक कह रहे हैं, हमें आज ही घर खाली करना पड़ेगा। कैसे जाना पड़ेगा? मॉम, जिन्होंने ये घर खरीदा है, आप उनका नंबर लिखकर उनसे बात करें। हम यही रहकर उनको रेंट भी तो दे सकते हैं। इस घर को हम बचाने के काबिल नहीं, उसका रेंट कहाँ से देंगे? बेवकूफी की बातें मत करो। चलो, अपना अपना सामान उठाओ और बाकी का सामान हम कुछ दिन बाद उठा लेंगे। ठीक है, आप लोग तसल्ली से अपना सामान उठा लें, हम लोग यहीं मौजूद हैं। शुक्रिया। चलो, दो दो जोड़े डालो, बैग में रख लो, कराओ दे दूंगा। दिल कहां तक तेरी दुहाई दे सजना, तेरी दुहाई दे, दिल
पे मुझे रंजे आशना दे, दे मुझे रंजे आशना सॉरी मेरा, मैं तुम्हारे लिए और बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सका। नहीं प्लीज, आप सॉरी ना कहें प्लीज, आपका कोई कसूर नहीं है, ये सब तो नसीबों की बात है, आप इस तरह मत सोचो प्लीज। लेकिन मैंने अपने बच्चों के लिए और तुम्हारे लिए कभी ऐसे नसीब के बारे में नहीं सोचा था। भी मेरी गलती की वजह से क्या है? सब मेरी गलती है। नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है, आप इस तरह क्यों कह रहे हैं? हमसे तो हमारा घर छीना गया, लेकिन आपसे तो आपकी आजादी छीनी गई। अच्छा खैर ठीक है, सब सुनो, तुम ऐसा करो कि फौरन किसी स्टेट एजेंट पर जाके रेंट का घर देखो, एक्स्ट्रा फर्नीचर या जो भी इजाफी चीजें उन्हें फॉलो कर दो, जरूरत की चीजें रख लो, और सब बच्चों को जिनके अकाउंट में जितने पैसे हैं बहुत एहतियात से खर्च करें, बाकी ठीक हो जाएगा सब, ठीक हो जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बैठिए जी। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ भाई? दरअसल हमें किराए पर घर चाहिए, लेकिन अर्जेंट बेसिस पर, आज ही। आज ही घर चाहिए? मगर आज तो कोई घर खाली नहीं। मैं फिर भी देख लेता हूँ। साहिब अंदर से फाइल लेकर आओ, अंडर हाउसेस की प्लीज। आप किसी और से भी पता कर लेना, हो सकता है किसी और एजेंसी वाले के पास हो। देखिए हमारे दूसरे डीलर से भी रابطे होते हैं, और अब यही लिस्ट उनके पास भी होती है, ऐसे मैं देख लेता हूँ। Oh!
पिंकी, रोते नहीं। याद है ना डैड ने क्या कहा था, अब रोना नहीं है बल्कि हिम्मत से काम लेना है। चलो शाबाश, इस तरह रोड पे नहीं बैठते, आ जाओ। एक घर खाली है मगर शायद वो आपके काबिल ना हो। बहुत अरसे से बंद पड़ा हुआ है और उसके मालिक भी बाहर शिफ्ट हुए हैं, लेकिन हाँ एक अच्छी बात है कि उसमें फर्नीचर पड़ा हुआ है। कोई बात नहीं, आप दिला दें, हम मैनेज कर लेंगे। चलें ठीक है। साकिब, इरफान स्टेट जाओ और वहां से चाबियां लेकर आओ उस घर की। आप थोड़ा सा प्लीज वेट कीजिए, ये जल्दी चाबियां लेकर आ जाता है। हम मैं 5 मिनट में आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? अच्छा जल्दी आ जाना। काफी देर हो गई मॉम को गए हुए, कॉल करती हूँ। पिंकी मेरा फोन देखे? पता नहीं, अपने नंबर से डायल करो। सर पहल तो जा रही है, आपने साइलेंट मोड पे तो नहीं रखा था? नहीं नहीं, दोबारा डायल करो। लाइन ही कट गई क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। बेटा वो घर मिल गया, प्रॉपर्टी डीलर बस आ रहे हैं 2 मिनट पे, फिर चल के देखते हैं। मॉम वो मेरा फोन नहीं मिल रहा। कहाँ गया? पता नहीं, अभी आपको कॉल की तो किसी ने लाइन डिस्कनेक्ट कर दी। जेल में तो तुम्हारे पर्स से नहीं निकाल दिया किसी ने? ऐसा कैसे हो सकता है मॉम? अब क्या होगा, मेरे सारे इम्पोर्टेंट कॉन्टेक्ट उसमें है। एक तो हालात वैसे ही बुरे चल रहे हैं, ऊपर से तुम लोग को अपनी चीज का होश नहीं है। मॉम अली भाई का है? पता नहीं, 5 मिनट का कहकर गया, आने दो उसे, पहले घर देखते हैं फिर सोचते हैं क्या करना है। अबे तू यहाँ जल्दी अंदर, तुझे यहाँ का एड्रेस किसने दिया? अरे भाई ने आइंदा मेरे घर पर मत आना, समझा? गलती हो गई। सो भाई मुझे स्टफ चाहिए, आपको इसकी मार्केट वैल्यू तो पता होगी। क्या ये मोबाइल? दिख रहा है अंधा नहीं हूँ, तुम जब भी आते हो कोई ना कोई चीज साथ लाते हो, कैश पैसे लाया करो। कल को ये चीजें चोरी की हुई तुम तो मुझे फंसवाओगे। नहीं नहीं नहीं, कुछ चोरी का नहीं है, सारी मेरी अपनी चीज है, और अगर कल को कुछ बात होती है तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। आइए मैम, आइए, बस देख लीजिए घर सारा कुछ ऐसे ही पड़ा है। देख लीजिए ये है घर, तो ये अली भी ना कहां चला जाते, 5 मिनट का कहकर गया था, मसला क्या है इसके साथ आखिर?
मॉम बहुत गंदा है। रहने के काबिल तो नहीं मॉम, ये कैसे रहेंगे? अब हालत तो देखें। तब गुजारा कर लेंगे। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि ये जगह आपके रहने के काबिल है, क्योंकि जिस घर से आप आई हैं उसके आगे तो ये तड़बा है। कोई बात नहीं, हम गुजारा कर लेंगे। इस वक्त तो वैसे भी एक शेल्टर की जरूरत है। चले मैं ताला खोल देता हूँ। नहीं नहीं, हम खुद देख लेंगे, आप चाबियां दे दीजिए। चले आप देख लीजिए। शुक्रिया। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। दरवाजा बंद करके अब मैं कर देती हूँ। नहीं बेटा, तुमसे नहीं होगा, हम लोगों ने कभी ये काम नहीं किया ना। तो मॉम, आपने भी तो ये काम कभी नहीं किया ना। मॉम याद है जब आप घर के छोटे छोटे काम किया करती थी? तो डैड कैसे आपको फौरन मना कर दिया करते थे, कहते थे इतने सारे नौकरों के साथ हमें काम की नहीं, आराम करने की जरूरत है। बड़े प्यार से आपका हाथ पकड़ के आपको लाउंज में लाते थे और हम डैड को छेड़ते थे कि आप हमसे ज्यादा मॉम को चाहते हैं। हाँ बेटा, वो हमारी जिंदगी के अनमोल दिन थे, लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अच्छा वक्त तो गुजर गया, लेकिन ये वक्त जो अब हम पर पड़ा है इसे भी हमें एक्सेप्ट करना है। तुम टेंशन मत लो, हम मिलजुल कर काम करेंगे, इस घर को सजाएंगे तो ये वक्त बहुत आसानी से गुजर जाएगा। मुझे रंजे आशना उसकी ये मजाल को मेरे रास्ते में आएगी, ये दो टके के लोग ये भूल जाते हैं कि मैं उन्हें किसी भी वक्त चुंटी की तरह मसल सकता हूँ। कौन लोग हैं, इनकी बातें कर रहे हो? शमशाद बेगम की बात कर रहा हूँ। उसने आज मुझे मेरे निशा से मिलने से रोका, मैं बहुत मुश्किल से अपना गुस्सा भी किया रहा। तुमने अपने रुतबे को खुद ही कीचड़ में घुसाया है, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए जब ही तुम्हें अकल आएगी। नहीं, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। आज जो मेरी बेइज्जती की है उसने, उसका तो मैं ये अंजाम करूंगा जो कि सारी दुनिया देखेगी। क्या करोगे, क्या करोगे? बेइज्जतदारों को बेइज्जत करोगे तो खुद बेइज्जत होगे, उनका कुछ ही बिगड़ेगा। दुनिया तुम पर थू-थू करेगी, बदनाम तुम होगे। समझदारी सी में इस किस्से को यहीं खत्म करो, आइंदा कोठे पे नहीं जाना और मेरी निशा को भूल जाओ। मैं उसे नहीं भूल सकता, मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ, किसी भी हालत में उसे नहीं भूल सकता। क्या हुआ पप्पू, कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? कुछ भी नहीं बेटा, ये अपने बाहर के झमेलों में फंसा हुआ है और गुस्से से निपटाना चाह रहा है। मैं मना कर रही हूँ उसको कि गुस्सा ना करे, बस और कोई बात नहीं बेटा, तुम जाकर सो आराम से, फिक्र मत करो, परेशान नहीं।
ये लान को पैरों से क्यों नाप रही है? चला ना अपने कमरे में आराम से। अभी तक असद नहीं आया अम्मा। आना होगा तो आ जाएगा, नहीं आना होगा तो किसी और के ना आ जाएगा। तुम अपने आप को क्यों हलकान कर रही हो? उसने आ जाने का वादा किया था मुझसे, इसलिए। ये बड़े लोगों के वादे तो उन जैसे बड़े ही होते हैं, हम लोगों से हजम नहीं होते। होगा किसी काम का मसरूफ, जरूरी तो नहीं कि वो हर वक्त तेरा तवाफ करे आके। चला, रात बहुत पड़ गई, चल अपने कमरे में सो चल के, मुझे भी बहुत नींद आ रही। चलो उठ। सफाई कर करके थक गई हूँ, काम है कि खत्म ही नहीं होता। बेटा बस दो मिनट ठहर जाओ, मैं नाश्ता बना लूँ, फिर मैं तुम्हारे साथ मिलके सफाई करवा देती हूँ। मॉम ये वॉशरूम के नल वगैरह टूटे हुए हैं, मुझे फ्रेश होकर स्कूल जाना है, मैं क्या करूँ? मेरा बच्चा मैं भी बनवा देती हूँ। जारा तुम अली को ले जाओ हाँ, और प्लम्बर को ला के ना रिपेयर करा लो, सब कुछ छोटी छोटी चीजें रिपेयर करा लो बस। तुम एक काम करो, आज हमारे साथ घर की सफाई करवाओ, कल से स्कूल चले जाओ। ठीक है, मेरी बेटी के लिए मैं हाफ फ्राई बनाती हूँ। जिस घर का कभी ख्वाब देखा था वो घर आज मेरे कदमों में। पप्पू जी बेटा, ये मेहरू कौन है? दिल कहाँ तक तेरी दुहाई दे, दिल कहाँ तक तेरी दुहाई दे, दे मुझे रंजे आशनाई दे, दे मुझे